हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ मैटर वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, लुईस दे ब्रोगली। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंटम एंड वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द ब्रोगली थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर होगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, डिविजन चर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट वेव पार्टिकल डुअलिटी। ऑल ऑफ दीज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीनों वेव पार्टिकल डुअलिटी दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी ब्रोगली थ्योरी हेल्प करता है कौन साइल विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। डी ब्रोगली थ्योरी किसमें हेल्प करता है फिजिक्स में, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा वेव पार्टिकल डुअलिटी दिखाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप इसे कमेंट में बताएं। ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की क्या शेप होगी, तो पी ऑर्बिटल की होती है हमारी टंबल। ओके, और इसका भी मैं बता ही देती हूँ, एस ऑर्बिटल का होता है स्फेरिकल। हाउ मैनी पी ऑर्बिटल आर देयर इन ईच एनर्जी लेवल, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा थ्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है, तो डी ऑर्बिटल की होती है क्लोवर लीफ। ओके, हाउ मैनी डी ऑर्बिटल इन देयर इन ईच एनर्जी लेवल, हर एनर्जी लेवल में डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो उसमें होते हैं तीन। ओके, विच ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल लग सकता है, एस ऑर्बिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हॉफ बॉय प्रिंसिपल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द 3D सबशेल, तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, 4D। व्हाट इज द हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी स्टेट, इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड विद वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी, इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका करेक्ट आंसर है ये। ओके, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हैंसबर्ग अनकर्टेनिटी प्रिंसिपल विच आर करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रॉडिंग टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड द पीक वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। एट व्हाट टेम्परेचर विल बी मोस्ट प्रोबेबली वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी कोरिस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, सॉल्व होगा या आप सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ क्वांटम इंटेंगलमेंट, डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू फोर्थ पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट आउटकम, यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट आउटकम इन अ क्वांटम मेजरमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बोर्न रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब अ पार्टिकल कन्फर्म टू वन डायमेंशनल बॉक्स, इसका करेक्ट आंसर है सी। इन वन डायमेंशनल बॉक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनर्जी लेवल विद द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी, इज द करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शन यूज टू डिस्क्राइब द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू वेव लाइक बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, वेयर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल हाईएस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एज द लेंथ ऑफ द बॉक्स डिक्रीज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू इंट्रैक्शन द लाइट विद मैटर, करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम शो, स्पेक्ट्रम क्या शो करता है, कलर्स दैट मॉलिक्यूल कैन ऑब्जर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक,
इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा रोटेशन. व्हाट इज़ द सिलेक्शन रूल फॉर द रोटेशनल प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन. इसका करेक्ट आंसर होगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा वाइब्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन एंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मॉलिक्यूल. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी. व्हाट टाइप ऑफ मोशन कंट्रीब्यूट टू द रैमन स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल. इसका करेक्ट आंसर होगा वाइब्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्टिव डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्रारेड एंड रैमन स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ क्रोमोफोर. इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सोक्रोम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फिनोमिना वेयर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शिफ्ट ओवर शॉर्टर वेवलेंथ. तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फिनोमिना वेयर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्रोमोफोर शिफ्ट ओवर लॉन्गर वेवलेंथ अपॉन एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक बैथोक्रोमिक शिफ्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट अल्फा मैक्स ऑफ अ क्रोमोफोर. इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी. टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोफोर दैट ऑब्जर्व इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो इसका करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. इसका करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब फिनोमिना वेयर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्रोमोफोर ब्रॉडेंस अपॉन एडिशन ऑफ एन एक्सोक्रोम. इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक इन द रीजन 1710-1740 एंड अ वीक पीक इन द रीजन 32-35,000. ओके. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ईस्टर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक इन द रीजन 1630-1690 सेंटीमीटर एंड अ वीक पीक इन द रीजन 32-35. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा टोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टराइज स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक 16-17 और 1000-12,000. तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टराइज बाय एब्जॉर्प्शन पीक रीजन 17,000-17,050 और 16-16,050. इसका करेक्ट आंसर है एमआई. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक रीजन 17,000-17,050 एंड वीक पीक रीजन 11,050 and 13,000. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ईस्टर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक इन द रीजन 1730 to 1750 और रीजन है 25,000-33,000. तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड. What does NMR stand for? The NMR stand for nuclear magnetic resonance. It is the correct. Which property of atomic nuclei allows them to analyze using NMR spectroscopy? Nuclear spin. Which type of atomic nuclei are typically NMR active? So, its correct answer is our A. Okay. Do with an old number of proton and neutron. Next question is which type of NMR spectroscopy typically used to study small organic molecule? Is the correct answer B. Okay. Next question is NMR spectroscopy energy difference in nuclear स्पिन स्टेट प्रमोशनल टू विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर टिपिकली हैव द स्ट्रॉन्गर एनएमआर सिग्नल. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिस्क्राइब द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट इन अ सैंपल. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस कॉजेज द एनएमआर सिग्नल टू डिके ओवर टाइम. तो इसका करेक्ट आंसर है स्पिन रिलैक्सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 13 सेल्सियस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और इज अ टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द रेडियो वेव यूज. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज टिपिकली यूज्ड एज रेफरेंस इन 13 सेल्सियस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म डिस्क्राइब द फिनोमिना वेयर न्यूक्लियर विद डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब एट स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा केमिकल शिफ्ट. विच टाइप ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर डायनेमिक ऑफ प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल. तो इसका करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस पीएमआर व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोन डिटेक्टेड न्यूक्लियर स्पिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी.
तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द मास टू चार्ज रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रपोज फाउंडेशन आयनाइजेशन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आयनाइजेशन टेक्निक यूज इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मास एनालाइजर इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मास एनालाइजर यूज इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिटेक्टर इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग एजेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैच एक्सट्रैक्शन द सॉल्वेंट इज, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन ओवर बैच एक्सट्रैक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व, तो इसका करेक्ट आंसर है सॉल्वेंट एंड मिक्सचर फ्लोइंग अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज, ए इज द करेक्ट आंसर, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ चिलेशन एक्सट्रैक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आयन फ्रॉम वेस्ट मैटर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के फोर्थ सेमेस्टर के कंप्लीट होते हैं, और आप इन्हें अच्छे से करके जाएं, बेसिक क्लियर होगा। और सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, और बोर्ड जूलॉजी के हमने डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए लिंक। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, ओके बाय।